E20 का मार्क अब देखो यार प्रॉपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 7 किलोमीटर ही हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज हमें कॉल आया कि एक रिवॉन आई हुई है E20 एडिशन, उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं फरहान के शॉप पे भाई डायरेक्ट, तो सीधे आप लोगों से वहीं मिलते हैं भैया। और क्या देखते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं चेंज हो रहा है। सो भाई देखो, आज एक रिवॉन है कम्प्लीट मॉडिफिकेशन के लिए, और इसमें आप देखो एग्जॉस्ट लगा है इंदौरी का। इसका कैटकैन खोले हो गया कि उसी के ऊपर से लगा हुआ है, स्टॉक बेंट पे ही लगा है। बाकी कंप्लीट एग्जॉस्ट चेंज, और ये वाला E20 मॉडल है। और अभी इसमें एक और मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो है टेल लाइट के रिगार्डिंग। तो मेरे ख्याल से ये पहले E20 एडिशन होगा जिसमें टेल लाइट मॉडिफिकेशन हो रहा है, ओल्ड टेल लाइट। एक कंप्लीट इसका भाई नापी वगैरह ले लिए हम लोग, और ड्रिल जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ वहाँ पे एक डॉट लगा दे रहे हैं, लाइक एक नीचे लगा यानी ऊपर लगा। उसके बाद इसमें कंप्लीट ड्रिल होके जो ओल्ड वाला टेल लाइट है वो वाला बैठेगा, और आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे। एग्जॉस्ट तेरा स्टॉक बेंड में ही लगा है ना, वो वाला इंदौरी एग्जॉस्ट लगा है। पर्दा उर्दा भी लगेगा क्या? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, चल हेलर पकड़, नीचे पकड़, रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़ने दो। पत्ती मजबूत कर दिया क्या पहले? चलो ऊपर चल रहा है ना। हाँ, दो होल होगा भाई, एक नीचे में एक ऊपर में। और होल अगर आप लोग कर रहे हो बिना टायर खोले, तब एक चीज़ ध्यान रखना कि अंदर में लकड़ी डाल के होल किया करो भाई, जैसे हम लोग करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट टायर पे लगेगा और उसके बाद टायर ब्लास्ट कर जाएगा, और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा नया टायर डालने के अलावा। सो टाइट करके देख लो, ठीक है। हाँ कंप्लीट भाई, ये वाला फिट हो गया और पूरा प्रॉपर स्ट्रेट फिट हुआ। टाइट वाइट होगा तो और स्ट्रेट हो जाएगा। और अभी इस पे जैसे कि सिर्फ अभी एग्जॉस्ट लगा है, और पीछे वाला वो टाइट होने के बाद फिर पर्दा वगैरह लगेगा, मतलब कि प्रॉपर जो इंदौरी में आप समझो रबर एंड पर्दा लग के साउंड आते हैं ना, उस टाइप का साउंड आने वाला है। और अभी तक चला के नहीं देखे हैं इसको E20 एडिशन वाले को कि कैसा साउंड आ रहा है। होपफुली एग्जॉस्ट रोड में कुछ चेंज नहीं होगा, और गाड़ी लिए हुए कितने दिन हुआ क्या हुआ ये तो पता नहीं, अभी ऑडोमीटर एक बार इसका चेक करते हैं। कंप्लीट भाई यहाँ पे E20 का मार्क अब देखो यार प्रॉपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड ऑडोमीटर अभी बस चेक करते हैं, तो दिखते कब का गाड़ी है। 7 किलोमीटर ही हुआ है बस, आज ही लिया है वो क्या? चलो आप ही टेक्स्ट किए थे ना मेरे को, आप आ रहे हो ब्लॉग में, चलो यही भाई मेरे को टेक्स्ट किए थे, लेकिन उस टाइम हम कोलकाता में थे, लेकिन अभी आ गए तो इस पर बना रहे वीडियो भाई। इसी के पीछे लाइट लगा है ना, वो वाला ये वाला लाइट, इसका स्टॉक उधर है कंप्लीट रखा हुआ। स्टॉक देना मेरे को एक बार, स्टॉक अभी भी वैसी फाइबर जैसा आ रहा है E20 के बाद भी ना, और अभी कंप्लीट स्ट्रेट वाला, स्ट्रेट नहीं स्टील वाला, क्या चीज़ स्टील है, एल्युमिनियम क्या है, नहीं ये जो लगा रहे चदरा लोहा टाइप में, जिसमें दिक्कत नहीं होता भाई, इसको अगर ठुक जाएगा ना तो ये फट जाता है भाई इससे। और आप वहाँ पे जो होल देख रहे हो उसको बड़ा करने के लिए ड्रिल से हम लोग उसको बड़ा करते हैं, स्टॉक वाले इंडिकेटर लगाएंगे। स्टॉक वाले इंडिकेटर लगेगा ना इस पर कंप्लीट, ये जो स्टॉक वाले, अब देखो प्रॉपर भाई उस होल को बड़ा करना पड़ता है वो वाले ब्रैकेट में, तब जाके स्टॉक वाले इंडिकेटर लगते हैं, नहीं तो नहीं लग पाते। अभी आपको इंडिकेटर फिटिंग में दिखाएंगे भाई किस टाइप से होता है। चलो और होगा, यहाँ पे टाइट होगा ना ये जी सर, और इसका वायर आगे से, अब इसको भी बड़ा करोगे इधर से, लाइन आ गया था, लाइन आया नहीं है, ऐसे लाइन चलाया क्या? पहले वाला बाइक जैसा ही आ रहा है ना।
क्योंकि E20 वाला है, ये वाला मॉडल 2023 वाला है, E20 है, हाँ, इसमें तो आवाज़ चेंज नहीं हुआ, पहले जैसे ही आ रहा है। ये तो प्रीमियम साउंड है ये वाला एग्जॉस्ट क्लासिक का इंदौरी। और कोई भी टेस्ट किया था कि सिर्फ यही लगाया? सिर्फ यही लगी। सो भाई जैसा आप लोग कमेंट करते थे कि क्या E20 को मॉडिफाई कराने के बाद भी एग्जॉस्ट नोट सेम आता है कि नहीं आता, तो ये वाला मॉडल जैसा देखो E20 है भाई, और इसका एग्जॉस्ट नोट प्रॉपर वैसे ही आ रहा है जैसा हम लोग का जनरल रिबॉन का आ रहा था, तो कुछ वैसे चेंज नहीं है एग्जॉस्ट में। बाकी तो इसका मॉडिफिकेशन भी हो ही रहा है, कंप्लीट एग्जॉस्ट चेंज है एंड पीछे ओल्ड टेल लग रहा है। एग्जॉस्ट और टेल चेंज होने के बाद हॉर्न चेंज हुआ है, मतलब चेंज नहीं हुआ, एक जो स्टॉक हॉर्न आता है सेम डिटो स्टॉक हॉर्न डुअल लग गया। हॉर्न बजाने एक बार, बस हो गया भाई। और उसको क्या करें, नंबर प्लेट ब्लैक करेगा क्या? अच्छा कंप्लीट भाई, न्यू बाइक में मॉडिफिकेशन हो रही है ये वाला। न्यू बाइक पे कैट कैन के साथ एग्जॉस्ट लगा और कंप्लीट टेल चेंज हो रहा है। और E20 का फिर से बता रहे, E20 में पहला ये वाला होगा बाइक जिसका ओल्ड टेल लग रहा है भाई। आपको ओल्ड टेल दिखा देते हैं एक बार, आधा ही फिटिंग हुआ है कंप्लीट, क्योंकि लाइट चला गया तो एक साइड और ड्रिल होगा इंडिकेटर के लिए इस साइड में, लेकिन ये वाला भी ड्रिल हुआ नहीं है, ये वाला हो गया उसमें कंप्लीट टाइट वगैरह। हाँ ये टाइट होकर रखा हुआ है भाई। और एग्जॉस्ट नोट तो आप लोगों ने सुनो, एग्जॉस्ट जब पर्दा लग जाएगा तब बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, पर्दा और रबर के साथ ऐसे बहुत ही प्रीमियम साउंड है इसका, मतलब कि ऐसे बहुत ही मीठा साउंड करता है और कहीं चुपता उपता भी नहीं है, लेकिन पर्दा लगने के बाद बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा भाई। और E20 पे हो रहा है ये सब OBD2, तो एग्जॉस्ट नोट भी कुछ वैसे चेंज नहीं हुआ, पुराना जैसा नॉर्मल जो मॉडल आता था विदाउट E20 एंड OBD2 उसके जैसे ही साउंड कर रहा है ये वाला मॉडल भी। तो भाई लेफ्ट वाला इंडिकेटर हम लोग कहीं और आके लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट कट गया, इंडिकेटर लग जाएगा उसके बाद प्रॉपर पीछे का जो प्लेट लगेगा उसमें समझ में आ जाएगा भाई क्या लुक आने वाला है। कंप्लीट हो गया ये भी भाई, इंडिकेटर्स वगैरह लग गए, पीछे बस प्लेट लगेगा जिसमें टेल लाइट रहता है। और एग्जॉस्ट तो आप लोग देखे ही भाई, और एग्जॉस्ट में पर्दा भी लगेगा। अच्छा पर्दा भी लगाओगे ना? पर्दा उधर दुकान में लगेगा। ब्रेक मार दीजिए, चलो सही हो गया, टाइट कर लो उसको पूरा। चलो भाई इसमें पूरा ओल्ड टेल लग गया, लुक देखो भाई कैसा आ रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। वो 1000 डलाइएगा। हाँ इंडिकेटर चेक कर लीजिए, इंडिकेटर चेक कर लीजिए, ठीक है लेफ्ट का जल रहा राइट का जल रहा, चलो सही है। हाँ ब्रेक मारिएगा, ब्रेक ठीक है, चलो ये फिटिंग हो गया भाई प्रॉपर। इसका नाप लो तो सही है, और ऊपर नीचे हुआ क्या? सही है, देख लो एक बार। चल लगाने के बाद ना अच्छा वो हल्का रहता है ना, ये भारी है। वो मट फ्लैप का बात कर रहे थे कि उड़ता है भाई, जो रिबॉन वाला लिखा हुआ आता है। एंड ये तो ओल्ड क्लासिक में भी लगता है ना। और अभी ये लगा रहे हम लोग रबर विथ क्लैंप, इससे भी तो ये क्लैंप लग जाएगा तो ये उड़ेगा नहीं ना, बहुत खुल के निकल जाता है। चलो एक बार ये फिट हो जाएगा फिर आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे और फिर आपको टेल भी दिखाएंगे जो टेल कंप्लीट मॉडिफाई हुआ। स्टार्ट कर दो, भी हो गया। तीन लाइन जो बोल रहा था ना, वो तीन लाइन वाला साइलेंसर है, बिना बेंड पाइप चेंज किए हुए इतना टाइट आवाज। बेंड पाइप चेंज कर देंगे तब तो और हेवी हो जाएगा। सो भाई कुछ ऐसा फाइनल लुक आया है भाई, 1000 ऑन कर दो, 1000 सिर्फ। हाँ ये आया और
इसका कंपैरिजन में अगर देखोगे यार तो बहुत बड़ा है और मजबूत भी है ना। कौन सा चदरा बोल रहे थे, है क्या एग्जैक्ट? चदरा ही है, लोहा रहता है, हार्ड मेटल रहता है। हार्ड मेटल, अरे क्या फाइबर देती है? नहीं तो पूरा फाइबर ही, हल्का से लगेगा। इसका पैसे वाला ओल्ड वाला आ रहा था इसमें, देखो सही लग रहा है भाई। और एग्जॉस्ट नट हम लोग जो लगाए हैं, कंप्लीट मड फ्लैप है, वाला रबर भी लगा दिए। तो भाई इसमें क्लासिक का इंदौरी हम लोग लगाए, और ये वाला कौन सा? भाई तीन लाइन वाला, जो तीन जाली बोलता है। और इसका प्राइस कितना है अप्रोक्स? 3500 का। क्लासिक कंपनी यही है कि सिलमन? नहीं, के इंदौरी है। के इंदौरी है, अच्छा। और इसमें रबर और ये लगा हुआ है, इसका फायदा क्या बता रहे थे? जैसे वहाँ पे हम लोग स्टॉक बेंड पे ही इसका आवाज रख, इसका मॉडिफिकेशन किए हैं, स्टॉक बेंड पे ही काफी खुला हुआ आवाज आ रहा है, नहीं तो फ्री फ्लो लगाते तो और हेवी हो जाए। और E20 में मेरे ख्याल से ये पहला मॉडिफिकेशन है ना, ये टेल और किए लेकिन हम थे नहीं, लेकिन ये वाला चैनल में पहला आ रहा है जिसका टेल लाइट चेंज हुआ है। हाँ चलो ये कम्प्लीट। और अभी आज ही बाइक निकला है, 7 किलोमीटर अप्रोक्स चला है भाई। आपको मीटर फिर से दिखा देते हैं यार, एक और बार आप मीटर देख लो, मीटर ब्लर है। 8 किलोमीटर अप्रोक्स देखो, ओडो में 8.4। अब बाकी लुक वगैरह तो देखे रहो, कंप्लीट भाई। और कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, और हॉर्न लगाया ना, हॉर्न बजाने एक बार, हॉर्न हेवी हो गया। 3 मॉडिफिकेशन हुआ है, हॉर्न का, एग्जॉस्ट का, एंड पीछे मड फ्लैप एंड टेल लाइट। चलो वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि वीडियो फरहान की दुकान से स्टार्ट हुआ था एंड खत्म हो रहा मोटो व्लॉग पे, तो सोचा क्यों ना इंट्रो आउट्रो बना ही लेते हैं, यहाँ पे आउट्रो बोलेंगे ऐसे इंट्रो थोड़ी। तो चलो वीडियो हम लोग करेंगे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग राइड हार्ड राइड, स्टे सेफ, एंजॉय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग और कौन सी बाइक का मॉडिफिकेशन चाहिए।